रेसलमेनिया 36 की तैयारी WWE ने कर दिया स्टार्ट और बहुत सारे बड़े रिटर्न्स जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। NXT और AEW की रेटिंग्स क्या रही है इस हफ्ते की गाइस, और मंडे नाइट रॉ पे हमें देखने को मिलने वाली है एक और वेडिंग, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की ये न्यूज़ का एपिसोड मैं स्टार्ट करने वाला हूं सीधा वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग से, और ये होने वाला है कमाल, क्योंकि यहां पे NXT ने एक बार फिर से हरा दिया ऑल एलीट रेसलिंग को, और ये दूसरी बार हुआ है गाइस। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि 18-49 के डेमोग्राफिक में भी NXT सबसे पहली बार जीती है। तो जो व्यूअरशिप रही NXT की वो थी 7,95,000, जो कि पिछले हफ्ते से 2% ज़्यादा है। और अगर 18-49 डेमोग्राफिक की मैं बात करूं गाइस, तो 2,70,000 व्यूअरशिप रही उस एज ग्रुप में। और यहीं पे हम डायनामाइट की बात करें तो 6,83,000 व्यूअर्स रहे, जो कि 12% कम थी पिछले हफ्ते से, और उनकी 18-49 की डेमोग्राफिक रेटिंग रही गाइस 2,50,000। तो ओवरऑल NXT ने 16% से हराया यहां पे AEW डायनामाइट को, और 20,000 व्यूअरशिप ज्यादा रही उनकी 18-49 डेमोग्राफिक में। ये काफी अच्छी बात है क्योंकि ओवरऑल भी NXT का शो इस बार डोमिनेंट था, सारे मैचेस ऑलमोस्ट शो पे काफी अच्छे थे, जबकि AEW के शो में कुछ चीजें अप्स थी कुछ चीजें डाउन्स थी, और उसकी वजह से शो अच्छा नहीं था उतना। और 683K का मतलब है कि ये सेकंड लोएस्ट रेटिंग है अभी तक की ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की। तो डेफिनेटली उनको काम करना पड़ेगा क्योंकि NXT अच्छी होती जा रही है और AEW को काफी दिक्कत यहां पे दे रही है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर, केन वेलास्केस को WWE ने ऑलरेडी बुक कर दिया है रॉयल रंबल के लिए। और इसका मतलब यह है कि या तो उनका उस पेपरव्यू पे कोई मैच होगा या फिर वो रॉयल रंबल मैच का एक पार्ट बन सकते हैं। अब एग्जैक्टली उनकी बुकिंग क्या होगी वो आइडिया नहीं है, लेकिन अगर वेलास्केस आने वाले रॉयल रंबल में तो डेफिनेटली उनका रेसलमेनिया का जो रोल है वो काफी बड़ा WWE प्लान कर रही है, और हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर के साथ ही हमें उनका रीमैच देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे कि हमने असली अखाड़ा में भी डिस्कस करा था, मैंने और रोहित ने ये बोला था कि हम नहीं चाहेंगे देखना कि केन वेलास्केस रॉयल रंबल को जीते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो WWE जरूर लेसनर वर्सेस वेलास्केस करेगी। और मेरे हिसाब से वो मैच बिना वेलास्केस को रॉयल रंबल जितवाए भी करा जा सकता है क्योंकि उसके पीछे एक बैक स्टोरी है। तो यहाँ पे वेलास्केस आने वाले हैं वापस, वो उनके लिए एक अच्छी बात है क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्होंने एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था WWE के साथ, और उसका अब वो फायदा उठाएंगे और डेफिनेटली उनको यूज करेंगे रेसलमेनिया में। अगली न्यूज की हम बात करते हैं गाइस, तो बॉबी लैशली और लाना की वेडिंग जो है ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है December 30th एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ के लिए। और लाना ने इससे रिलेटेड एक ट्वीट भी करी जहां पे उन्होंने लिखा, कांट वेट टू वॉक डाउन द आइल टुगेदर एज मिस्टर एंड मिसेस लैशली। और बॉबी लैशली ने उनको कोट करके लिखा, यू आर ऑल कॉर्डियली इन्वाइटेड टू अटेंड आवर वेडिंग मंडे December 30th, नो बेटर वे टू क्लोज आउट द ईयर देन वॉचिंग अस से आई डू, रूसेव आई विल सेव योर सीट, कांट वेट फॉर इट टू बी ऑफिशियल एट लाना WWE। तो यहां पे गाइस ऑफिशियली हो चुका है कंफर्म, ऑब्वियसली एक स्टोरी लाइन वेडिंग है अगर आपको नहीं पता ऑलरेडी, तो असली में कुछ नहीं हो रहा। और मेरा ओपिनियन और प्रेडिक्शन यहां पे यही रहेगी कि शायद रूसेव आने वाले हैं इस वेडिंग में और उसको डिस्ट्रॉय करने की वो कोशिश करेंगे, तो काफी एंटरटेनिंग सेगमेंट यहां पे हमें देखने को मिलेगी, और प्रोबेबली वो फिर एक और रूसेव और लैशली के मैच की तरफ जो है लीड हो सकती है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो एक काफी बड़ी स्टोरी है क्योंकि एज के बारे में पहले भी न्यूज आ रही थी कि वो शायद WWE में वापस आ सकते हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एज ने ऑलरेडी WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो कि एक बैकस्टेज ट्रेनर या फिर और किसी के लिए नहीं बल्कि एज अ इन रिंग सुपरस्टार है। और ये चीज मेरे को बिल्कुल तब तक यकीन नहीं होगी जब तक मैं एज को WWE TV पर एज अ रेसलर वापस नहीं देख लेता, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर एज को रेसलमेनिया सीजन में WWE यूज करना चाहती है तो उनका रिटर्न हमें एज अ सरप्राइज अपीयरेंस इन द रॉयल रंबल मैच देखने को मिल सकता है, जो कि मैं फिर से कहूंगा कि एक ऐसी ड्रीम लग रही है ये तो मेरे को अभी अगर मैं इसको पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर ये एक रियलिटी में बदलता है तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा पंप अप हो जाऊंगा इस चीज के लिए, क्योंकि जब एज वीकली टेलीविजन पे आते थे तो मेरे फेवरेट सुपरस्टार हुआ करते थे उस समय पे वो, तो फिर से हम उनको रिंग में देखना जरूर चाहेंगे। और आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि किस तरीके से जो है आप रेटेड आर सुपरस्टार को एक बार फिर से देखना चाहेंगे WWE में। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो रिक फ्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है WWE के साथ, जो कि एक प्रोबेबली लेजेंड्स डील है, वो इस साल के एंड में खत्म होने वाला है, यानी कि कुछ ही दिनों में। और गाइस ये रूमर्स आ रहे हैं कि शायद अब रिक फ्लेयर भी WWE को छोड़ के ऑल एलीट रेसलिंग में जा सकते हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ में काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं टोनी खान के साथ। इनफैक्ट उन्होंने टोनी खान को अपनी वेडिंग में भी इनवाइट करा था और काफी रेगुलरली वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनके साथ। तो अगर यहां पे WWE नया ऑफर नहीं करती है रिक फ्लेयर को और उनको रखने की कोशिश नहीं करती है तो प्रोबेबली उनकी अगली डेस्टिनेशन ऑल एलीट रेसलिंग हो सकती है, लेकिन काफी मुश्किल होगा ऐसा करना क्योंकि विंस मैकमैन हमेशा ही अपने लेजेंड्स अपने पास रखने की पूरी कोशिश करते हैं और रिक फ्लेयर को शायद वो
वो जो एक और लेजेंड्स डील है वो ज़रूर ऑफर करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस तरीके से स्टोरी करते हैं यहाँ पे प्रोग्रेस। और फिर उसका फाइनल स्टोरी गाइस, द बिगेस्ट न्यूज़ जो कि चल रही है इस समय पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में, वो ये है कि जॉन सीना चाहते हैं वापस आना रेसलमेनिया 36 में, जो कि होने वाली है टैंपा फ्लोरिडा में। और जॉन सीना भी जो है टैंपा में ही रहते हैं, उनका घर है वहाँ पे। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जॉन सीना चाहते हैं कि इस बार वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करें रेसलमेनिया में। लास्ट ईयर की रेसलमेनिया में गाइस वो नॉर्मली इलायस के साथ आके उन्होंने एक सेगमेंट करी थी, वो एंटरटेनिंग जरूर थी लेकिन वो किसी स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं थे। लेकिन इस साल वो चाहते हैं कुछ बड़ा करना। पूरा 2019 जो है सीना बिजी रहे अपने हॉलीवुड मूवीज करने में, जो कि काफी बड़ी बड़ी मूवीज उनके आनी वाली हैं। लेकिन गाइस अब वो वापस आना चाहते हैं WWE में, और अगर ये रूमर सच है तो प्रोबेबली जॉन सीना जो है हमें देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल में एज अ स्पेशल एंट्री। और अगर ऐसा होता है गाइस तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। काफी समय से हम फैंस चाहते हैं कि सीना एक बार अपनी प्रेजेंस फिर से दें WWE टीवी पे वीकली, और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और रेसलमेनिया के लिए उनका काफी बड़ा मैच हो सकता है। तो आप लोगों को मैं बोलता हूं अपने कमेंट्स में मुझे ओपिनियंस देके बताएं कि किसका मैच देखना चाहेंगे आप जॉन सीना के साथ रेसलमेनिया में। और इसी के साथ करेंगे हम आज की इस वीडियो को खत्म गाइस। अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।